हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन की, जो कि एनसीईआरटी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर 10 है। इससे पहले स्टूडेंट मैं आपको 9 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज कन्वर्जन की स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कन्वर्जन आपको पता है कि 3 मार्क्स की एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड या अमीन में से 3 मार्क्स की कन्वर्जन आपको एग्जाम में सेकंड टर्म में आनी है, और इवन इन कन्वर्जन में कौन कौन से रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं, इसी के बेस पे नीट के क्वेश्चन, IIT मेन्स के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप इसके रिएजेंट अच्छी तरह याद कर लेते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट किस फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपकी कंपटीशन की भी तैयारी हो जाएगी, साथ साथ बोर्ड प्रेपरेशन भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर कन्वर्जन। तो ये हमारे पास 9 कन्वर्जन है, 12.15 क्वेश्चन में आपको सोल्व करवाने जा रहा हूं स्टूडेंट। तो ये कन्वर्जन दे सकते हैं, इसमें बेसिकली दिया गया है कि जो आप कन्वर्जन करें वो 2 to 3 स्टेप, बस ज्यादा स्टेप की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो 2 ही स्टेप कहा, मगर कई कन्वर्जन ऐसे हैं स्टूडेंट जहां पे आपको 3 स्टेप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पड़ेगी। तो 1 by 1 में स्टार्ट करता हूं, आप इन कन्वर्जन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हाउ टू कन्वर्ट प्रोपेनोन इंटू प्रोपीन। तो सबसे पहली जो कन्वर्जन है प्रोपेनोन टू प्रोपीन है, तो सबसे पहला काम क्या होगा स्टूडेंट, जब भी आपको एग्जाम में कभी भी कन्वर्जन आती है, पहले आप दोनों के स्ट्रक्चर बना लें, फिर थोड़ा सा एनालाइज करें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे कीटो ग्रुप है और हमें कन्वर्ट किसमें करना है, एल्कीन में। तो कीटो से एल्कीन की मेरे माइंड में डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं है। अब मेरे दिमाग में क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हम क्या करते हैं बैक कन्वर्जन करते हैं। बैक कन्वर्जन का मतलब एल्कीन किससे बनता है, तो एल्कीन मुझे पता है अल्कोहल से बनता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, यानी CH3CH OH CH3, तो ये सोचने को आपको मैं बता रहा हूं कैसे सोचना है अपने एग्जाम में कि भाई एल्कीन कैसे बनेगी। एल्कीन इससे बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल से। इसकी अगर मैं डिहाइड्रेशन करता हूं एसिडिक मीडियम में 443 केल्विन पर हीट कर देता हूं, तो वाटर का आपको पता है रिमूवल हो जाएगा और हमें प्रोप वन इन मिल जाएगा। अब इससे ये लाना, आप जैसे ही आप ये करेंगे आपको तुरंत आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ये रिएक्शन देख के आपको तुरंत पता है कि कीटोन की अगर हम रिडक्शन करते हैं स्टूडेंट तो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो बहुत सारे मेथड हैं जिससे कि आप कीटोन से बना सकते हैं। मैं आपको कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं आप, H2O+ platinum, सोडियम बोरोहाइड्रेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, ठीक है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो इनमें से जो भी रिएजेंट आपको उस टाइम माइंड में आ रहा है स्टूडेंट, ये सारे ही सही हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कीटोन से क्या मिल जाता है स्टूडेंट, सेकेंडरी एल्कोहल। तो अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। अब फिर वही बात, हमें सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, COOH ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर रहे हैं। कई स्टूडेंट के माइंड में आता है सर रिडक्शन कर दीजिए, कभी भी बेंजोइक एसिड की रिडक्शन से बेंजल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, रिएक्शन होगी किस पे, बेंजाइल अल्कोहल, यानी CH2OH में कन्वर्ट होगी। तो हमें जब भी बेंजल्डिहाइड में करना है, आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए बेंजाइल क्लोराइड। क्या चाहिए, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड आपको पता है रोजनबर्न रिडक्शन है। यहां आप अगर ढंग से स्टूडेंट लिख लिख के अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो रही है, बाय नेम रिएक्शंस भी याद हो रही है, रोजनबर्न रिडक्शन। अब यहां पे आपको रोजनबर्न रिडक्शन भी याद है, अब क्या है कि याद करना है रिएजेंट, याद करने H2O+palladium, बेरियम सल्फेट, सल्फर और क्विनोलिन, जो आपको याद हो वो आप लिख दो क्विनोलिन, और फिर साथ में क्या डाल देते हैं हम, वायलिन जाइलिन। अब स्टूडेंट्स के माइंड में सर इतने सारे रिएजेंट याद ना हो तो क्या करें, तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं कुछ सिलेक्टेड है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, और वो क्या है स्टूडेंट, अगर किसी बच्चे को लगता है से ज्यादा याद नहीं होता तो एनसीईआरटी में केवल इतना है स्टूडेंट। तो आप अगर एरो के ऊपर H2O+palladium और बेरियम सल्फेट भी लिख देते हैं सफिशियंट है। क्या करता है, एसिड क्लोराइड COCl को CHO में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी मुझे COCl ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करना है, अपने दिमाग में ऐड कर लीजिए रिएक्शन, रोजनबर्न रिडक्शन मैंने इस्तेमाल करनी है।
अब आपका क्वेश्चन अगला आता है सर, अगर सीओएच को सीओसीएल में कन्वर्ट करना है तब क्या करेंगे? तो तब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जितने भी आपने मेथड एल्कोहल से क्लोराइड के लिए कर रखे हैं, ओएस से सीएल के लिए, वो सारे मेथड यहां पर जाते हैं। पीसीएल3 भी डाल सकते हैं, पीसीएल5 भी डाल सकते हैं। सबसे बेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं एसओसीएल2। तो एसओसीएल2 डाल देंगे, आपको पता है यहाँ पे एससीएल एज ए गैस और सल्फर डाइऑक्साइड एज गैस दोनों गैस फॉर्म में निकल जाती है, इसलिए बेस्ट मेथड कहलाता है। तो एसिड क्लोराइड से, बेंजोइक एसिड से मुझे क्या मिल गया? एसिड क्लोराइड, और उसकी मैंने रोजरमेंट रिडक्शन की तो हमें क्या मिल गया? बेंजल्डिहाइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट इस वीडियो इसका ले लीजिए आप। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो क्या है? इथेनॉल टू 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। अब जैसे ही ये रिएक्शन आई, अगर आपने नेम रिएक्शन से याद कर रखे स्टूडेंट, और मैंने आपको बताया है कि अगर आप नेम रिएक्शन से याद करें, कोई भी रिएक्शन याद करें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम याद करें, तो आपकी कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होगी। मुझे तो ये देखते ही पता चल गया कि ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है। यहां कितने कार्बन है? दो। इथेनॉल है स्टूडेंट, अच्छा इथेनॉल है। अब इथेनॉल से मुझे एल्डोल कंडेंसेशन करनी है तो मुझे क्या चाहिए? इथेनॉल। अब इथेनॉल की एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो ये बनेगा। अगर इसके दो मोलिक्यूल को हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल। अब अगला क्वेश्चन सर, OH को CHO में कैसे कन्वर्ट करें? तो आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड तक खाली रोकना है, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ कर दूं तो ये एसिटिक एसिड बना देगा। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, जब भी आपको रिएक्शन कहां तक रोकनी है, एल्डिहाइड तक, तो आप PCC इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 एज ए सोलवेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से आपको 3-हाइड्रोक्सी बनाना है। आपको इस, वैसे तो मैं कई वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं एल्डोल कंडेंसेशन, फिर भी चलो स्टूडेंट ने पिछली वीडियो ने देखी तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड कीटोन के पास, वो ही केवल एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। तो मैंने आपको समझाया था ये वाला एच कहां चला जाएगा? ओ के पास, और ये वाला कार्बन इससे अटैच हो जाएगा, इससे ये आपका प्रोडक्ट मिल गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। अब मेटा नाइट्रो यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए, तो हमें पता है एसआई ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है, क्यूकीटो ग्रुप है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर लेंगे, ठीक है, CO CH3, और फिर क्या कर देंगे? नाइट्रेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखिए कितनी सारी नेम रिएक्शंस आपको याद हो रही हैं, रोजरमेंट कर ली, एल्डोल कर लिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या डालते हैं रिएजेंट? CH3 COCl, या फिर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। जो भी रिएजेंट आपको याद हो स्टूडेंट, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? COCl बन जाएगा, यहाँ पे HCl साइड में निकल जाएगा, आपको पता है यहाँ हाइड्रोजन पड़ा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब COCl हो गया, मुझे पता है मेटा डायरेक्टिंग है, बस इसकी नाइट्रेशन कर देते हैं, HNO3 प्लस H2SO4, आपको मेटा डायरेक्टिंग क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। तो बिल्कुल सिंपल कन्वर्जन है, और जनरली आप देख रहे हैं जो मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, 2 स्टेप कर रहा हूँ, कई जगह 3 की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मगर जो आपको कहा गया है 2 स्टेप में ही करें। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टूडेंट, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। अब क्या करना है स्टूडेंट, बिल्कुल वही मैं कहता हूं, बैक कन्वर्जन टेक्निक का इस्तेमाल करिए। आप कहेंगे कि अगर सर मेरे पास बेंजोइल क्लोराइड होता, क्या होता? बेंजोइल क्लोराइड, और अगर मैं इसमें बेंजीन डाल दूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने रिएक्शन किया, क्या एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, कौन सी नेम रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो कितनी ज्यादा यूज हो रही है स्टूडेंट, ये भी आप देखिए। तो अगर ये मेरे पास हो, बेंजीन डाल दूंगा, बेंजोफिनोन मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड से बेंजोइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे? तो डायरेक्ट रिएक्शन तो नहीं है, तो इसीलिए एक स्टेप यहां पे ज्यादा पड़ रहा है स्टूडेंट। तो हम इसको पहले KMnO4 ऑक्सीडेशन कर देंगे इसकी, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से COCl आपने अभी थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन किया है कि हम इसकी क्या कर देंगे? SOCl2 के साथ रिएक्शन कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड, और उसकी बेंजीन के साथ एनहाइड्रस करके हमें क्या मिल जाएगा? बेंजोफिनोन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप स्टूडेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? ब्रोमो बेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल।
ब्रोमोवेल जीन है और हमें वन पे ही वन फिनाइल इथेनोल। अब OH ग्रुप कहां पे है? वन पे है और CH3COH। अब क्या करें स्टूडेंट, अब हमें देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, कौन सा अल्कोहल है ये? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो अभी तो स्टूडेंट आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन का है, मैं बार बार वही कहता हूँ, एग्जाम में आपके पास सारे ऑर्गेनिक में से रिएक्शन रहे, तो थोड़ी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब क्या करूं, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है? तो अब हमें पता है सेकेंडरी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड एजेंट के इस्तेमाल से बनता है, तो हम इसको पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे? ग्रिग्नार्ड एजेंट में। तो एमजी के साथ रिएक्शन कर दीजिए, क्या बन जाएगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कितने कार्बन ऐड कराने हैं? दो, तो दो कार्बन ऐड कराने हैं, तो एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर दीजिए। अब एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो स्टूडेंट आपको पता है फिनाइल ग्रुप जाके कहां लग जाएगा? कार्बन पे। ओ पे क्या चला जाएगा? एम जी बी आर, और यहां पे क्या चला जाएगा आपका? फिनाइल ग्रुप कार्बन पे लग गया, सी एच थ्री बड़ा हुआ। अब इसकी आप एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता है यहां पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, और आपकी ये क्या हो जाएगी? कन्वर्जन हो जाएगी। तो आप बड़े इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रोमो बेंजीन टू वन फिनाइल इथेनोल। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, बेंजल्डिहाइड टू थ्री फिनाइल प्रोपेन वन ओल। अब यहां देखिए एक कार्बन है, दो कार्बन ऐड कराने हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, हमें करना क्या पड़ रहा है? दो कार्बन ऐड कराने हैं। जैसे ही मुझे हुआ या दो कार्बन ऐड कराने हैं, मेरा दिमाग थोड़ा चलना स्टार्ट होगा, मेरे को पता लग रहा है कि भी दो कार्बन ऐड कराने हैं, तो क्या करूंगा? अब थोड़ा सा मेमोराइजेशन भी काम करेगी, यहां पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगी बेंजल्डिहाइड की, किसके साथ? एसिटल्डिहाइड के साथ। तो हम यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। क्या डालेंगे? दो कार्बन ऐड कराने हैं, तो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे एसिटल्डिहाइड के साथ। तो मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और एक के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला हाइड्रोजन कहां जाएगा? ओ पे, और ये वाला कार्बन किससे अटैच हो जाएगा? इससे। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो बेंजीन है मेरा वो किससे? बेंजीन के साथ क्या है ऊपर? सी। ओ के साथ क्या हो गया? एच। इस पे एच ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन किससे जुड़ गया? इससे, तो ये सी एच टू, और यहां क्या बन गया? सी एच ओ। ठीक है, अब हम इसको अगर हीट करते हैं एसिडिक मीडियम में स्टूडेंट, तो यहां से वाटर का रिमूवल होता है और ये प्रोडक्ट बनता है, ये भी नाम याद रखिए, कन्वर्जन में आ सकता है, सीनेमल्डिहाइड। क्या बन गया स्टूडेंट? इसका कॉमन नेम है सीनेमल्डिहाइड, सीनेमल्डिहाइड बन गया। अब सीनेमल्डिहाइड से क्या करूं स्टूडेंट? मुझे तो क्या चाहिए? मुझे यहां पे OH चाहिए। अब क्या करूं मैं? मुझे OH चाहिए एल्डिहाइड को, यानी मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्राइमरी एल्कोहल में। तो आप किस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे? कोई भी रिएजेंट इस्तेमाल कर लीजिए, H2O+ platinum, H2O+nickel, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको पता है स्ट्रॉन्ग है, ये डबल बॉन्ड को भी कर देंगे और प्राइमरी CHO को भी कर देंगे। ठीक है, तो ये आप बड़े आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये आपका बन गया 3-phenyl-propane-1-ol। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, काफी अच्छी कन्वर्जन है अपने आप में, और काफी रिएक्शंस आपको यहाँ पे याद करने को मिल रही हैं। ये कन्वर्जन ऐसी भी आ सकती है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, बेंजल्डिहाइड टू सीनेमल्डिहाइड, तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने आप में है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या है, बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। फिर वही बात, यहां एक कार्बन है और यहां पे अब कितने हो गए? दो कार्बन, यानी एक कार्बन ऐड कराना है। दूसरा क्या है स्टूडेंट, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पे OH भी ऐड कराना है। एल्डिहाइड के केस में OH ऐड कराना और COH ऐड कराना है, तो मुझे पता चल गया साइनोहाइड्रिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लूंगा? SCN डाल दूंगा बेसिक मीडियम में। तो क्या होगा स्टूडेंट, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन CHOH, और यहाँ पे क्या आ गया? CN। अब मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट? CN की जगह COOH ग्रुप चाहिए, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा काम, एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो आपको पता है साइनाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है? COOH में। तो आपको क्या मिल गया? अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है स्टूडेंट, याद करे, और प्रीवियस ईयर में आ भी चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, लास्ट कन्वर्जन है आज की वीडियो की, बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल। बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो, एक तो नाइट्रो पे अटैक कराना है, मेटा पे बनाना है, तो इसका मतलब हमें इसी की नाइट्रेशन करनी पड़ेगी,
क्योंकि अगर मैंने पहले प्राइमरी अल्कोहल बना दिया फिर करूंगा तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, तो हम इसकी क्या करेंगे पहले नाइट्रेशन ही कर लेंगे। HNO3 और H2SO4 डालते ही क्या मिल जाएगा मुझे COOH और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, मगर अब मुझे इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, कैसे करूं तो हमें इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एसिड क्लोराइड में, तो वही SOCl2 का आप इस्तेमाल कर लें, इट गेट कन्वर्ट इनटू COCl और आपका मेटा पे नाइट्रो ग्रुप है। अब मैं ऐसा रिएजेंट इस्तेमाल करूंगा स्टूडेंट जो कि थोड़ा माइल्ड हो, क्योंकि अगर मैंने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया तो नाइट्रोबियामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इस्तेमाल सोडियम बोरोहाइड्राइड और फिर हम इसकी एसिडिक मीडियम में क्या कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो दो स्टेप यहाँ पे फिर लगते हैं स्टूडेंट, तो COCl ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2OH में, तो काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं, आप अगर इनको ध्यान से देखें तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जो न्यू व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब तक करें ताकि इस टाइप के नए अपडेट आपके पास तुरंत मिल जाएं, बेल आइकन दबाना ना भूले स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं कल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।